करने वाले हैं थ्री सीज। तो थ्री सीज होता क्या है, ओवरऑल इस हेडिंग को पढ़ा जाए तो थ्री सीज ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस है। तो थ्री सीज कॉन्सेप्ट होता क्या है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो थ्री सीज जो होता है, थ्री कैपिटल सी लेटर से बने हुए हैं, ठीक है, कंप्यूटर कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये थ्री सीज होता क्या है, तो थ्री सीज जो है, जो भी आज की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है हम जो शेयर करते हैं, या हम कहीं भी प्रेजेंट होते हैं और किसी भी प्लेस में प्रेजेंट हो, किसी भी टाइम पर हम अगर कोई चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू द इंटरनेट, तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, वो पॉसिबल कैसे है, हाँ पॉसिबल किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है, तो वो थ्री सीज टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। हाँ, तो वी कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन एट एनी एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू दी थ्री सीज टेक्नोलॉजी। ओके, तो थ्री सीज टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया और एक सिंगल एंटिटी में लाकर फीड कर दिया, जो कि हमारा आज का डिजिटल स्मार्टफोन है, पीसी या लैपटॉप है, उसी को हम रिफर करते हैं थ्री सीज टेक्नोलॉजी। तो थ्री सीज टेक्नोलॉजी में पहला कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिक बेसिक छोटी सी तीन टर्म डिस्कस कर ले रहे हैं कि पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम पे तो कंप्यूटर्स होते थे, वो लार्ज रूम के बराबर होते थे, ठीक है, और उसमें नंबर्स ऑफ पीपल्स एक साथ वर्क करते थे, जो कि डेटा को इनपुट मतलब डेटा को फीड करते थे कंप्यूटर में, फिर उसके आउटपुट को निकालते थे, उसमें भी 2-3 दिन लग जाते थे। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया डिजिटल कन्वर्जेंस का, ठीक है, जिसने हमारे कंप्यूटर को इवोल्यूट किया, ठीक है, उसके वो अपडेट किया, जिसकी हेल्प से हम अब एक कंप्यूटर्स को मल्टीपल कंप्यूटर से थ्रू द इंटरनेट या थ्रू द नेटवर्क कनेक्ट कर सकते थे और डेटा को एक्सेस और ट्रांसफ़र कर सकते थे। ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प करता था कि हम रिसोर्सेज को सेव करें, अपने प्रोग्राम्स को चेंज करें, मतलब इवोल्यूट करें बाई शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, और विद द सेम नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि दो कंप्यूटर्स अगर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो वो अपने डेटाज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है एक यूज़र को भी, अगर मान लीजिए अगर हम अपनी बात करें, तो अगर हमारे पास किसी कंपनी का डेटा नहीं है तो हम उस डेटा को उसके सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी रहो, आपकी फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करती, अगर आप उसी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जिस इंटरनेट से या जिस नेटवर्क से आपका सर्वर कनेक्टेड है, तो आप उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करके अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प टू शेयर रिसोर्सेज लाइक डेटा, प्रोग्राम, इक्विपमेंट्स विथ अनदर एनी वन ऑन द सेम नेटवर्क इरिस्पेक्टिवली ऑफ द फिजिकल लोकेशंस ऑफ द यूजर्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो हमारे पास डिवाइस है और डिवाइस हमारे सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिर डिवाइस आखिर कनेक्टेड है तो वो शेयर क्या करेंगे, कंटेंट ही शेयर करेंगे। तो पुराने टाइम पे बेसिक कंटेंट शेयर किया जाता था, पुराने टाइम पे टेक्स्ट जो होता था बेसिक फॉर्म होता था मल्टीमीडिया का, जिसकी जिसको हम शेयर करते थे, ठीक है। लेकिन हमें आज के डेट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्यूट हो रही है, अपडेट हो रही है, तो हमने अपने कंटेंट को इंटरेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख लिया, जिसमें हम मल्टीमीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, वीडियोज़, ग्राफिक्स, इन सब का यूज़ करके हम अपने कंटेंट को एक इंटरेक्टिव कंटेंट बनाते हैं और उसे शेयर करते हैं इन डिफरेंट मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, तो द मल्टीमीडिया कंटेंट इज रिफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म, इट कॉन्ट्रास्ट विथ प्रीवियस मीडियाज दैट यूज ओनली कंप्यूटर डिस्प्ले सच एज टेक्स्ट ओनली और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रिंटेड और हैंड प्रोड्यूस मटेरियल्स। मल्टीमीडिया इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल्स, इमेज, एनिमेशन, वीडियोज एंड इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर्म। ओके, अब था लास्ट, है हमारे पास कंप्यूटर है, मतलब डिवाइस भी है, हमारे पास कंटेंट भी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास डिवाइस है, कंटेंट है जो कि हमें शेयर करना है, तो हमें एक मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम, जरिए की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर सकें। तो उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है, तो वही मीडियम को ये रिफ़र कर रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेन एवर अ कंप्यूटर रिक्वायर मल्टी मीडिया कंटेंट फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर और अ सर्वर, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ट्रेवल थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम अब एक नेटवर्क का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकें बाई यूजिंग इन सेम सम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आज कल हम इंटरनेट, जो कि हमारा बेसिक नेटवर्क है, जिसकी हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं।
ठीक है, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो हम उस डेटा को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से हमें पता है कि हमारे डेटा का जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जितना कम साइज़ होगा उतनी जल्दी हम अपने डेटा को शेयर कर पाएंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ओके, तो ये 3 C's थे। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर में हमने डिवाइस की बात की कि हमारी डिवाइसेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद कंटेंट होना चाहिए, मतलब रॉ डेटा या इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, और फिर उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, कमिटी से, जिसकी हेल्प से ये दोनों अपने आप में डेटा को शेयर कर सकते हैं एनी वेयर एंड एनी प्लेस। थैंक यू।